नमस्कार, न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 9000 से अधिक नए मामले, 260 लोगों की मौत, नाकामी छुपाने के लिए डेमोक्रेसी फिलहाल लॉक, घर लौटने का वक्त। हमारी पहली खबर जो है वो कोरोना संक्रमण के बारे में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में यानी कल 3 जून सुबह 8 बजे से लेकर आज 4 जून सुबह 8 बजे तक सबसे ज़्यादा 9304 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 260 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच 3804 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,16,919 हो गई है, जिसमें से 1,04,107 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और अब तक कुल 6,075 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,737 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 42,42,718 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 1,29,485 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। बीते दिन कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 17 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 2,560, दिल्ली 1,513, तमिलनाडु 1,286, गुजरात 483, उत्तर प्रदेश 368, पश्चिम बंगाल 340, हरियाणा 302, राजस्थान 279, कर्नाटक 267, बिहार 235, आंध्र प्रदेश 182, मध्य प्रदेश 168, असम 159, उड़ीसा 143, जम्मू कश्मीर 139, तेलंगाना से 129 और छत्तीसगढ़ से 104 नए मामले सामने आए। साथ ही केरल से 82, उत्तराखंड से 42, झारखंड से 40, पंजाब से 34, मणिपुर 29, अरुणाचल प्रदेश 16, हिमाचल प्रदेश 14, लद्दाख और नागालैंड 9-9 मामले, मेघालय से 4 और दादर और नगर हवेली से 4 मामले, एक एक नया मामला मिजोरम और सिक्किम से सामने आया है। बीते दिन देश के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें त्रिपुरा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लंबा लॉकडाउन भी काम नहीं आया। सरकार की सारी रणनीति नाकाम साबित हो गई, पर सरकार लोगों के बीच अपनी नाकामी भला कैसे माने। तो अब धीरे धीरे अनलॉक एक को आगे किया गया। बाजार और कारोबार सब कुछ खुला रहेगा पर डेमोक्रेसी बंद रहेगी, ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का। आइए सुनते हैं उन्हें। दोस्तों, लॉकडाउन के दरमियान हम लोग लगातार बात करते रहे, अब अनलॉक, लॉकडाउन के बाद अनलॉक, स्वदेशी वगैरह, हिंदी हिंदुस्तान वगैरह की बात करने वाली सरकार ने नाम भी खूब रखे हैं, लॉकडाउन उसके बाद अनलॉक वन, ये फेज है। तो अनलॉक वन के बाद हम चूंकि पहली बार आपसे मुखातिब हैं, हम रूबरू एक दूसरे से हैं, तो हम आज जरूर बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद ये अनलॉक वन जो आया है इसके दरमियान क्या क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। दोस्तों, सच यह है कि भारत सरकार ने जिस कारणों से जो रणनीति अख्तियार की थी, जो सोच बनाई थी, जो समझ बनाई थी, वो चारों खाने चित हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के सारे टॉप स्ट्रेटजिस्ट, सारे उसके टॉप ऑफिशियल सब, आप अकेले में उनसे बात कीजिए, जिसको पत्रकारिता की भाषा में हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कहते हैं, तो वो सारे लोग कहते हैं एक तो को छोड़कर, जितने टॉप लेवल के उच्च अधिकारी हैं वो जो ब्रीफिंग के बाद जब मिलते हैं तो पत्रकारों से सच बोलने में ज्यादा कोताही नहीं करते हैं। हाँ, जो रिपोर्टर्स हैं टेलीविजन के वो बताते हैं कि एक दो लोग कोताही करते हैं, संकोच करते हैं, हो सकता है उनका ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो कुछ चीजों से। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, वो जब 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, आपको याद है, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं उनकी पंक्ति को हूबहू तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन उसका जो अर्थ था वो ये था कि ये 21 दिन जो आगे के हैं, इन 21 दिनों में हमें इसे हर हालत में रोकना है कोरोना वायरस के फैलाव को, क्योंकि ये नहीं रुका तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। ये बात कही थी उन्होंने, और साथ में ये भी कहा था कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, ये जंगल में आग की तरह फैलता है और जान है तो जहान है। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और माननीय प्रधानमंत्री की इन बातों को भी अगर आप देखिए तो मतलब साफ है कि आज लॉकडाउन की विफलता पर सरकार पूरी तरह अंदर से, अपने अंदर से सहमत है
कि ये लॉकडाउन फेल कर चुका है, क्योंकि 21 दिनों के बाद जो हुआ है, आज 2 लाख, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 536 केसेस थे, 9 मौतें थी, आज 2 लाख से ऊपर अब हो रही है और 5000 से ऊपर मौतें हो रही हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का भी, कि ये तो पूरी तरह जो रिकॉर्डेड जो डेटा है उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेड ना हो ठीक से, रिकॉर्डेड ठीक से ना हो, क्योंकि ओवरलैपिंग भी है कि एक ही कोई पेशेंट मरता है जिन कारणों से, तो उसको लेकर अलग अलग दिखाया जाता है कि किस रोग से मरा, तो अगर कोविड था नहीं था वगैरह वगैरह, हम उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन बात पक्की है कि जब अनलॉक वन का ऐलान हुआ है तब सारी की सारी चीजें खोली जा रही हैं। इस दरमियान जो हालात इतने अगर खराब हैं, कम्युनिटी स्प्रेड की बात जो है, सामुदायिक संक्रमण की बात है, वो भी सामने आ चुकी है, और दबी जुबान से अब तो टॉप लेवल के भी लोग कह रहे हैं और आम लोग, आम जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कह रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा कि 3-1 दिन पहले कि देश के टॉप पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, जिसमें कि देश के टॉप डॉक्टर्स हैं और संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी 25 तारीख को अभी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भेजी थी, और उसमें मजे की बात यह है कि डॉक्टर रेड्डी जैसे लोग हैं साइन करने वाले लोगों में, जिन्होंने एक कमेटी, हाई पावर कमेटी की सदारत की थी जो टास्क फोर्स ने बनाई थी, तो ऐसे भी लोग हैं और वो भी ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कोरोना से, जो जिस तरह से हमारी सरकार ने फाइट किया है, अपने जंगे ऐलान जो किया था उसको जिस तरह एग्जीक्यूट किया है, वो टोटल फेल्योर रहा है, और लॉकडाउन को डिसास्ट्रस तक कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह डिसास्ट्रस था, इसने मौतों को, इसने हालात को खराब करने में, इसने अर्थव्यवस्था को तबाह करने में सबसे अधिक योगदान रहा। और लोगों का ये कहना है, ये मेरा नहीं, टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स का, एक्सपर्ट्स का, कि उसकी वजह यह है कि भारत सरकार ने एक्सपर्ट से बात नहीं करी, उन्होंने न जाने किस तरह के लोगों, किस तरह के सलाहकारों से उन्होंने सलाह ली और एग्जीक्यूशन किया उन रणनीतियों का, जिन रणनीतियों की विफलता पहले से तयशुदा थी और दुनिया के जिन देशों में भी कामयाबी हासिल की गई है उनका रास्ता इससे बिल्कुल अलग था। तो कहने का यह मतलब है कि आज की तारीख में ये लगभग तय हो चुका है और कोई इस पर संदेह नहीं रह गया है कि लॉकडाउन भारत में पूरी तरह विफल रहा है। कोरोना से भारत सरकार की जो जंग की बात थी, जिसके लिए लोग ताली थाली बजा रहे थे, कईयों ने थाली तोड़ दी थी, कईयों ने डांस किया था, कईयों ने बालकनी में काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाई थी, उनको सोशल मीडिया पर डिस्प्ले उसका किया था, तो अब वो सब कुछ जो है आप समझ लीजिए कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, सब वो इतिहास में दर्ज हो गया है, विफलताओं के इतिहास में। तो आज की जो कहानी है वो असल कहानी यही है कि अब इस विफलता को छुपाने के लिए हमारी सरकार, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारी सरकार, अब उसका जो ऑपरेशन है वो जारी है, और ये जो उसका ऑपरेशन, ये जो उसका अभियान है वो कई बहुस्तरीय है, बहुस्तरीय आप तो देखते हैं, कई बार ऑफिशियल ब्रीफिंग ही बंद हो जाती है, अपने देश के टॉप जो अधिकारी हैं, राजनीतिक अधिकारियों की बात मैं कर रहा हूं, वो तो कभी प्रेस से बात करते नहीं है, जैसे दुनिया भर के प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति, दुनिया भर के तमाम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ने तो एक बार भी बात नहीं की, खासकर ब्रीफिंग कभी नहीं की प्रेस के साथ, मीडिया के साथ, वो सिर्फ राष्ट्रीय संदेश देने आते थे, इस बीच में संदेश भी उनके कम हुए हैं, हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और रेडियो पर उन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि आज की तारीख में अब मौजूदा सरकार के सामने सबसे बड़ा एजेंडा है कि कैसे अपनी नाकामी को, जो बिल्कुल जगजाहिर है, जिसको सारे एक्सपर्ट समझ रहे हैं दुनिया के और भारत के भी, ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता याद रखिए मेरे शब्द को, कि आम जो लोग हैं वो न जान सके, वो किसी तरह, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जंजाल से, टेलीविजनों पर जो खबर आती है उसके 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 पूरे बवंडर के बीच में फंसे रहें और वो ये ना जान सकें कि उनकी सरकार ने जो ताली थाली
और तमाम चीजें बजवाई थी, मोमबत्ती जलवाई थी, बिजली ऑफ करवाई थी, बल्ब जलवाए थे, ये जितने कार्यक्रम किए थे, पुष्प वर्षा की थी, उनका कोई नतीजा नहीं निकला और बुरा नतीजा निकला। लॉकडाउन जिस तरह से किया, मजदूरों को जिस तरह तबाह किया गया, उसका उसका डिसास्ट्रस विनाशकारी नतीजा निकला। अब लोगों का ये जो बात है कि लोग ये ना जान सकें, एक्सपर्ट्स को जानने दो, पढ़े लिखे लोगों को जानने दो, समझदारों को जानने दो, लेकिन जो असल लोग हैं, जो वोट में सबसे अधिक, लोकतंत्र में, इलेक्शंस में जिनका सबसे अधिक बड़ा हिस्सा है, और जो टेलीविजन देखकर अपना दिमाग बनाते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीतिक चेतना का निर्माण करते हैं, उन लोगों तक सच न पहुंचे। इसके लिए एक बात हमारी सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है कि उसका अगला ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है, अब देखिए इस वक्त क्या वो चीज है जो बंद है, तो मेरा यह मानना है कि इस ऑपरेशन में सब कुछ खोल दिया गया है। अनलॉक वन में बाजार खुल गए, सैलून भी खुल गए, 8 जून से तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, 8 जून सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ खुल जाएगा, केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाकी रहेंगी, कुछ एक और चीजें बाकी रह जाएंगी, लेकिन 8 जून से संपूर्ण भारत संक्रमण के क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा, भारत काफी तेजी से बढ़ रहा, भारत अब देखिए कई स्टेट्स ने तो टेस्टिंग भी इतनी कम कर दी है, कल्पना कीजिए कि बिहार जैसे स्टेट की बात, वहां तो 10 लाख लोगों में 700-800 लोगों की बामुश्किल टेस्टिंग हो रही है। तो अब ऐसे दौर में जब टेस्टिंग भी लोगों ने छोड़ दी है, अस्पतालों में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात थी, 20 लाख करोड़ घोषित किया था, सारा वो लोन का मामला था, 1.5-2 केवल लाख करोड़ उसमें है, लेकिन मेरा कहना है कि उसमें 3-4 लाख करोड़ अगर प्रावधान किया गया होता सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेवाओं के विस्तार में, तो भी कुछ काम आ जाता, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। तो दोस्तों अब जो असल कहानी है कि बाजार खोला जा रहा है, सारा संसार खोला जा रहा है अपने मुल्क का कारोबार का, लेकिन डेमोक्रेसी लॉक्ड है, मार्केट अनलॉक, डेमोक्रेसी लॉक्ड, असल कहानी यही है। वो इसलिए है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हों, यूथ के ऑर्गेनाइजेशन हों, स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हों, या पॉलिटिकल पार्टीज हों, खासकर जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, वो जनता में ना पहुंच पाए असल कहानी बताने। मीडिया का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो सच दिखाने की कोशिश करता है, उस पर भी कितना जोखिम है आप जानते हैं, न जाने कितने लोगों की हाल के लॉकडाउन के दौरान भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गुजरात तक में धवल पटेल, एक न्यूज वेबसाइट के संपादक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। कश्मीर में कई लोगों पर वहां FIR दर्ज हो गए, दिल्ली में FIR दर्ज हो गए, उत्तर प्रदेश दिल्ली के संपादकों के खिलाफ FIR उत्तर प्रदेश में हो गए। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारे यूथ और स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको दंगों के अभियुक्त, दंगों का अभियुक्त बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे दौर में जब मैं कह रहा हूं कि सब कुछ ओपन किया जा रहा है लेकिन डेमोक्रेसी को बंद रखा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को न जाने दिया जाए। और दुर्भाग्य ये अपने देश का है कि बड़ा हिस्सा अपोजिशन का, अब बड़ा हिस्सा क्या, इंटायर अपोजिशन की बात मैं कर सकता हूं, कि वो बिल्कुल खामोश है। आप अगर अमेरिका की तुलना कीजिए, आप यूरोप के दूसरे मुल्कों की तुलना कीजिए, तो अपने यहां अपोजिशन सचमुच लॉकडाउन में लॉक्ड है, और उसको डर इस बात का है कि अगर जेल भेज दिया जाएगा तो उसका कौन, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अपोजिशन की पार्टियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि आम आदमी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके बारे में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और सच यह है कि उत्तर प्रदेश, आप कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अजय कुमार लल्लू, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर 420 से लेकर तमाम मामले ठोंक दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और वो कैसे, वो बसों का मामला था मजदूरों को ले जाने के लिए, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ था, उसमें उनको जेल में डाल दिया गया, अभी तक वो रिहा नहीं हुए हैं, जमानत अभी तक उनको नहीं मिली है। प्रदेश स्तर का एक बड़ा नेता, आप कल्पना कीजिए कि अपोजिशन पार्टी का, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी देश की, उसका अगर प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार है इस तरह के केसेस में, बनावटी मामलों में, बिल्कुल दुर्भावना से प्रेरित और प्रेजुडिस के साथ, तो आम आदमी अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है अन्याय का विरोध करने पर, उसकी हालत क्या होगी,
दोस्तों उत्तराखंड की कहानी मैं बताकर अपनी बात धीरे धीरे कंक्लूड करूंगा और फिर आऊंगा कि डेमोक्रेसी कैसे लॉक्ड रहेगी और सब कुछ अनलॉक रहेगा। कि उत्तराखंड की सरकार ने पिछले दिनों मैं देख रहा था एक बड़े चैनल पर उसके मुख्यमंत्री जी का भाषण, वो कह रहे थे कि हमने इतने कड़े कानून बनाए हैं कि कोई भी जो आपदा प्रबंधन कानून का या किसी भी अन्य कानूनों का कोरोना के दौर में लॉकडाउन के दौर में अवहेलना उसकी करेगा तो उसको हम 370 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर इस तरह की केसेज में भी डाल सकते हैं। और सचमुच उन्होंने किया। उत्तरकाशी में दो लड़कों को जो बाहर से आए थे और बाई चांस एक उसमें संक्रमित था, एक या दो, और उन पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया गया ये केस, और भी कई केसेज उन पर लगा दी गई और उनको फिर अस्पताल भेजा गया, यानी हिरासत में अस्पताल भेजा गया। और मजे की बात यह है कि जिस उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं उस उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005 की, उसकी धारा 51 से लेकर 60 तक का कड़ाई से पालन हो रहा है। और उसमें क्या क्या बातें हैं कि अगर सेवाकर्मी के काम में कोई बाधा पहुंचाएगा तो धारा 51-52 में है कि मिथ्या दावा अगर कोई करेगा, झूठा दावा, तो झूठी कोई चेतावनी देगा तो उस सबको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया जाएगा और उसमें सजा का प्रावधान है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि क्रिमिनलाइज करना इस पूरे कार्यकाल में, इस पूरे दौर में कोरोना के, ये सब चीजें उसी तरफ मुखातिब हैं जो डेमोक्रेसी को लॉक करती हैं, बाजार को अनलॉक करती हैं, अपनी विफलताओं को खोलती हैं। लेकिन लोग न जाने, विफलताएं छुप नहीं सकती हैं, लेकिन लोगों के दिमागों में, आम लोगों के दिमागों में, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में अगर आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर पढ़े लिखे लोग आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो असल कहानी आज की दोस्तों यही है अपने देश की, कि सब कुछ अनलॉक रहेगा लेकिन डेमोक्रेसी लॉक रहेगी। और इससे महामारी को फाइट करना, महामारी से जूझना असंभव है दोस्तों, क्योंकि किसी भी देश में अगर महामारी से बेहतर ढंग से निपटने की कोशिश हुई है तो तभी हुई है जब सूचना, समझदारी, सेवा, कोऑर्डिनेशन और चिकित्सा यानी दवा दारू का बेहतर प्रबंधन हो। और यह तभी संभव है जब सरकार, अपोजिशन और जनता तीनों में कोऑर्डिनेशन हो, तीनों में एक बेहतर माहौल हो। कंपेशन की बात की जाती है, करुणा की बात की जाती है, आपको याद होगा एक भाषण में कहा गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन अपने ही नागरिकों के साथ जिस क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वो क्या बताता है? वो ही बताता है कि अपने देश में सब कुछ अनलॉक रहेगा लेकिन डेमोक्रेसी लॉक रहेगी। ये एक खतरनाक मंजर है। मुझे लगता है कि देश को इससे कैसे देश बचे ये सोचने की बात है। नमस्कार, आदाब, सत्य। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और शायद उनमें से कई वापस भी नहीं आएंगे। क्या सोचना है उनका, क्यों गए वो आखिर अपने घरों की ओर? आइए देखते हैं कारवां ने मोहब्बत की यह ग्राउंड रिपोर्ट। डर है, डर इस बात का है कि दोबारा ऐसी समस्या हो गई तो उसको इंसान फंसा ही रह जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। अपने हिंदुस्तान में तो नहीं थी, वो तो विदेशी थी, बीमारी फैली है। मजदूर तो झेलनी पड़ी रही, मजदूर मर रहा है, रोडों पे मर रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है, ट्रेन से कट के जा रहे हैं। दोबारा आएंगे क्या? ऐसी दिक्कत रहेगी तो कैसे आएंगे? अब नहीं आएंगे।
कारण क्या, ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहेगा तो कहीं ऐसे बीच में हो गया, एक बार तो समस्या झेली, दोबारा कैसे समस्या झेलेगा इंसान। तीन दिन से वही खा रहे हैं, वही पड़े हैं, आज लिख अब तो तुम्हें चेहरे मुस्कान आ गई। मुस्कान तो आएगी चेहरे भी, वहाँ नहीं थी नोएडा में। नोएडा में कैसे हुआ, नोएडा तो फंसे पड़े हैं, कैसे हुआ नोएडा। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।